बिहार का विकास और गांव का विकास, हमेशा हम सिर्फ विकास की बातें करते हैं लेकिन विकास के नाम पे काम क्या होता है आपको इस पंचायत में देखने को मिलेगा। ये इटवा पंचायत है, गरखा प्रखंड का इटवा पंचायत, और हम लोग अभी इटवा गांव में ही हैं। और यहां का जो विकास है वो चीख चीख के आपको अपना नमूना दिखा रहा है। विकास का नमूना क्या है आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि ये जो गाँव है बहुत कंजस्टेड है और यहाँ पे नाली की व्यवस्था होनी चाहिए थी, पानी के निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए थी, सड़क की व्यवस्था होनी चाहिए थी। अगर खुला गांव होता तो हम कहते कि नाली पतला नाली बना दिया गया और निकल गया, लेकिन ये जो गांव है ये बहुत संकरा गांव है और ऐसा भरे माहौल में भी नाली की स्थिति ये है कि यहाँ पानी जमा हुआ है। और ये भी पानी इस तरीके से नहीं जमा हुआ है, नाला न बनने के कारण गांव के लोग थक हार के खुद से गड्ढा बनाया और वहाँ पे पानी जमा किया हुआ है क्योंकि निकासी का कोई साधन ही नहीं है। मुखिया जी जीतने के बाद कभी आए ही नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं, गांव के जो लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो कह रहे हैं। मुखिया जी युवा हैं, हम हमेशा युवा शक्ति की बात करते हैं कि अगर युवा पावर में आएगा, युवा प्रतिनिधि बनेगा तो विकास हो जाएगा। यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया प्रतिनिधि हैं, जो मुखिया हैं 5 सालों से, वो युवा हैं। लेकिन युवा का विकास देख लीजिए, कोई कैसे भला यकीन करे युवाओं पे? अगर एक युवा को इन गांव वाले ने मौका दिया, युवा ने क्या किया, आप इस बात को समझिए। ये लोग युवाओं के नाम पे कलंक है भाई साहब, काहे कि बड़ी मुश्किल से युवाओं को थोड़ा सा जगह मिलता है राजनीति में और गांव के राजनीति में। लोग भरोसा तो कर लेता है लेकिन वो युवा भरोसे के बदले में क्या दिया? ये नाला, यहाँ की स्थिति इतनी बदतर है कि इस नाले से इतनी दुर्गंध आ रही है कि यहाँ खड़ा होना दूभर है। लेकिन भाई साहब हम धूप में यहाँ खड़े होके इसलिए सिर्फ खड़े हैं ताकि उस युवा प्रतिनिधि के पास हमारी बात पहुंच सके और उसे थोड़ा सा शर्म आए और इन गांव वालों का मुंह देखकर ही अभी से भी इसका निपटारा करे। चाचा क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला सिंह है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भोला सिंह है। अच्छा, इसकी स्थिति कितने दिन से ऐसी है? ये तो बहुत दिन से है। मुखिया जी क्या बोले, पूछे थे आप उनसे? कुछ नहीं, मुखिया जी 5 साल में हमारे द्वार पर अभी ही नहीं किया है। काहे? और ना पूछे हैं। काहे? अब काहे नहीं आए हैं वही ना समझ बताएंगे। इसका मतलब कुछ आप लोग नहीं कोई समस्या का उनसे बोले कि इतना बड़ा समस्या है? समस्या और समस्या तो सब लोग बता रहे हैं। बीरू जी उनके बाबू जी आए थे। अच्छा, इन नाला के लिए हम लोग बोले थे तो कहे जी हाँ हो सब हो जाएगा, करा दिया जाएगा। लेकिन करके गए, इसके बाद में फिर नहीं आया। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार सिंह। क्या है स्थिति ऐसा? स्थिति देखिए, हम लोग को बोल के साथ हैं, कोई भी आता है कैंडिडेट विधायक मुखिया कि आएंगे हम करवा देंगे ये करवा देंगे, अभी तक 5 साल हो गया, 5 साल धार घोषित हुआ वो भी पैसा नहीं मिला हम लोग को, किसी को नहीं मिला इंटुआ गाँव में। इस बार भी धार हुआ है, इस बार भी नहीं है, क्या आशा है? अच्छा। वो आते हैं सराहना देके चले जाते हैं। पानी आता होगा गांव में, मान लीजिए यहीं पे पानी का सोर्स है, गांव में आता होगा तो पूरा डूब जाता होगा गांव। हाँ, पूरा डूब जाता है तो और मुश्किल होता होगा। मुश्किल होता है, अगर नाली होता तो पानी कम होता तो पानी निकल जाता, लेकिन सारा व्यवस्था नहीं है। ये देखिए यहाँ रास्ता, यहाँ पानी लग जाता है ठेहुना पर, यहाँ पूरा पानी लग जाता है बरसात में। ये लोग हम लोग बोल 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 के विधायक को मुखिया को कोई सुनवाई नहीं है, मुखिया भी नहीं सुनते हैं। यहाँ गरीब को अस्तित्व ही नहीं है। वार्ड कौन है यहाँ का? 4 नंबर सुनील सिंह है। नहीं सुनते हैं सुनील सिंह, वो सब कोई नहीं किया है। नहीं, जीत गया बस हो गया, नहीं किया उधर, जीत गया बस हो गया। जीतने के बाद कभी पूछने आते हैं? पूछने ताकने नहीं आता द्वार पर, पूछने का तो बात ही छोड़िए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम मनु कुमार सिंह है। मनु कुमार सिंह। अरे ये तो नीचे बड़ी ऊंचा लग रहे हैं, ढेर छोट पड़ जा रहे हैं। ये सब देख लीजिए, यहाँ से आकर देख। अच्छा, जो ये नाली का स्थिति है ये क्यों है ऐसा? ऐसा क्यों है? जब वार और मुखिया दोनों का साठगांठ चलता है और जब वहाँ से आदेश मिलेगा तभी काम करेगा। अच्छा। और रह गई बात उसका छोड़िए, इन लोगों से जब प्रेम होगा वार्ड के या मुखिया का तो काम करवाएंगे तो नहीं करवाएंगे। अच्छा। हाँ, प्रेम नहीं होगा तो नहीं करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि जो गांव का लोग उनसे सटा हुआ न हो तो काम नहीं होगा? होगा, बिल्कुल नहीं होगा। वही बात है और वही कारण है जो भी नहीं बनाई। 100 मीटर रास्ता इसीलिए नहीं बना। देख लीजिए इस नाला के इनार है, उसमें नाला बढ़ है, रास्ता पर नाला बढ़ है, उसको देखना चाहिए। नाला की स्थिति दिखाइए, यहाँ का लोग कह रहा है कि ये
बाढ़ घोषित क्षेत्र है और इस गांव में हमेशा पानी घुस जाता है। आप इस बात को समझिए कि अगर गांव में जब पानी घुसता होगा और पानी का जब लेवल कम होता होगा तो गांव की पानी तो गांव में ही रह जाती होगी। अगर नाला होता यहां पे, अगर नाला की स्थिति सही होती तो गांव का पानी निकल जाता, लेकिन गांव के पानी न निकलने से यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों का प्रवास होगा, यहाँ पे बहुत सारी बीमारियों का आगमन होगा और बहुत सारे लोग बीमारियों के चपेट में आएंगे। ना उन्हें नाला की परवाह है, ना उससे होने वाली बीमारियों का परवाह है। अब इसका जिम्मेदार हम किसको कहें, ये आप सब समझिए। और यहाँ के वार्ड ने क्या काम किया है, यहाँ के मुखिया प्रत्याशी ने काम क्या किया है, मुखिया प्रतिनिधि ने नहीं, युवा मुखिया प्रतिनिधि ने क्या काम किया है, ये आप समझिए। गांव के लोगों ने बताया कि वो सिर्फ उन लोगों का काम करते हैं, उन वार्ड के लोगों का काम करते हैं जो उनसे टच में रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो उनसे मीठा मीठा बात करते हैं और जो उनके साथ रहते हैं। अब साथ रहने का मतलब ये है कि हमेशा सुबह शाम उनके साथ रहें, उनके हाँ में हाँ मिलाया, वैसे लोगों का काम होगा। अब बताइए कि एक गृहस्थ आदमी जो खेती बाड़ी करता है, जो नौकरी करता है, जो अपने काम से मतलब रखता है, सुबह काम को जाता है, शाम को लौट के आता है, वो मुखिया जी की चमचाई कैसे करे भला? अगर वो आदमी चमचाई नहीं करता है तो क्या उसके गाँव का विकास नहीं होगा? और तब युवा है वो, युवा होते हुए भी युवाओं की नहीं सुन रहे हैं तो किसकी सुनेंगे। चलिए, ये इस वार्ड का पहला वीडियो था, इस पंचायत का पहला वीडियो था। हम और भी गांव की स्थिति दिखाते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ।